ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैम आपका छोटा सा बेबी है तो क्या आप ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर पाओगे। जी हाँ बिल्कुल, और उसी छोटी मोटी अपनी भूख को मिटाने मैं आ गई हूँ पिज्जा बाइट पे। यू कैन सी आपको यहाँ पे जो है कुल्लड पिज्जा, फ्राइड आइसक्रीम, पैटीज वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा। और चाइनीज में यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स है, यहाँ पे एक मेन्यू पड़ा हुआ जो भी हम देख रहे हैं। पिज्जा बाइट्स के नाम से ये कैफे है, यू कैन सी यहाँ पे वेज नॉन वेज आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। नीचे यहाँ पे सिटिंग्स भी हैं, तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और क्या क्या भैया आज हमें खिलाने वाले हैं। एसी वेसी की सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी गर्मी से बाहर राहत पाने के लिए। ये बड़ा सुंदर सा कैफे है, यू कैन सी इस टाइप की यहाँ पे आपको कुछ सिटिंग भी मिल जाएगी जो कि बेसमेंट पे है। यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो सर आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे या पहले भी विजिट कर चुके हो? फर्स्ट टाइम ही इसमें। फर्स्ट टाइम है, कहते हो कैसा एक्सपीरियंस था? आप सबका तीनों का फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम तो नहीं है क्योंकि यहाँ से खाना हमारे ऑफिस जाता है। ओके, तो कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? कैसा लगता है? अच्छी क्वालिटी है, तो पहले भी आप टेस्ट कर चुके हो? ओह वेरी गुड, तो यहाँ का खाना जो क्लाइंट्स है उनको भी बहुत पसंद आ रहा है। और बाहर देखते हैं भैया आज हमारे लिए क्या स्पेशल बना रहे हो आज हमें? आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम के पकौड़े, मतलब फ्राइड आइसक्रीम। तो फ्राइड आइसक्रीम आज भैया हमें बना के जो खिलाने वाले हैं। कितने टाइम से कर रहे हो भैया आप ये काम? मेरे को हो गया 10 से 12 साल। तो यहीं पे स्टार्टिंग से यहीं पे ही कर रहे हो? नहीं, इस रेस्टोरेंट को हो गया 2.5 साल। 2.5 साल, ओके। पहले मैं काम करता था डोमिनोज में एज ए मैनेजर रह के आया हूं। ओके, पिज़्ज़ा हट में काम किया, मैकडोनल्ड में वर्क किया। अच्छा, तो उसके बाद सोचा कि अपना कोई सेटअप रेडी किया जाए। ये जो है फ्राइड आइसक्रीम बना रहे हैं हमारे लिए। तो भैया ये मतलब मेल्ट नहीं होगी, आप इसको फ्राई कर रहे हो? ये मेल्ट, ये बाहर से गर्म रहेगी, अंदर से ठंडी, अंदर से बिल्कुल ठंडी रहेगी। ओके, देखते हैं टेस्ट। आपको याद है खुद भी एक बार फ्राइड आइसक्रीम बनाया था? अगर आप सबने मेरा वो फ्राइड आइसक्रीम वाला वीडियो नहीं देखा अभी तक तो मेक श्योर आप सब मेरे चैनल पे जाके उसको जरूर देखिएगा। और क्या क्या मिलता है अभी आपके कैफे में? मैम हमारे पास चाइनीज में सभी कुछ मिल जाएगा आपको, चिली पोटैटो, चिली कॉलीफ्लावर, चिली मशरूम। ओके, और आपको इटालियन में मिल जाएंगे, पिज्जा मिल जाएंगे। हमारा एक पिज्जा चैलेंज भी चल रहा है कि अगर आप एक लार्ज पिज्जा 15 मिनट के अंदर खा लेते हैं तो 1100 रुपये इनाम है। ओह वेरी गुड, तो भैया का एक चैलेंज चल रहा है जिसको आप सब एक्सेप्ट करना चाहो तो कर सकते हो। भैया का एक लार्ज पिज्जा है, अगर आपने उसको 15 मिनट में खा लिया तो आपको 1100 रुपीज जो है भैया की तरफ से गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो जो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो इस कैफे में जरूर पहुंच जाए। भैया एक बार अपना एड्रेस बता दीजिएगा। पिज्जा बाइट, बूथ नंबर 34, नियर पीटीएल चौक, फेस 5, मोहाली। तो मोहाली में है ये फेस 5 में। भैया से आप सबने एड्रेस अच्छे से समझ लीजिए और जब भी आप मोहाली या चंडीगढ़ आए तो यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। हमारी जो है फ्राइड आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, यू कैन सी। तो ये भैया की जो फ्राइड आइसक्रीम है ये हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। वाओ, यू कैन सी, और जो आइसक्रीम है वो अंदर से बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई है। तो अभी हम लोग इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। सुपर, बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत यम्मी। आइसक्रीम तो वैसे ही सबकी फेवरेट होती है ना, है ना? बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, और ओनली 50 रुपीज में ये आपको फ्राइड आइसक्रीम यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहीं पे और ट्राई किया था तो उनका प्राइस जो इसी फ्राइड आइसक्रीम का था वो 180 था, और यहाँ पे ओनली 50 रुपीज में, जो 150 नहीं ओनली 50 रुपीज में। बहुत टेस्टी है ये आइसक्रीम पकौड़ा भी इसको कहा जाता है। फूड थाली डिनर 70 रुपीज ओनली, परांठा 30 रुपीज, कर्ड प्लस बटर। भैया ये क्या सिस्टम है? हम इसमें अनलिमिटेड फूड है, आप जितनी मर्जी चपाती खाइए, राइस खाइए, सब्जी लीजिए, रायता लीजिए, मतलब बफे वाला सिस्टम ये क्या है? ओनली बफे। ओके, और मतलब 70 रुपीज में होंगे। तो ये किस टाइम अवेलेबल होता है? मैम ये ऑल डे रहता है, 7 डेज ओपन है। ओके, तो ये डिनर होता है, मतलब रात के टाइम में अवेलेबल होता है या दिन में भी? दिन में मिल जाता है। दिन में भी मिल जाता है। ओके, और ये यहाँ पे ये कुल्लड़ गिलास पड़े होते हैं तो मैंने सोचा पूछ लिया जाए ये किस चीज में यूज होते हैं। कुल्लड़
अच्छा आप कुल्हड़ पिज्जा भी बनाते हो? ओ तो भैया जो है कुल्हड़ पिज्जा भी बनाते हैं। आपने कुछ टाइम पहले देखो एक कुल्हड़ पिज्जा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, तो वो भी भैया यहाँ पे चीज़ी कुल्हड़ पिज्जा भी बनाते हैं। और आप अगर सब कुल्हड़ पिज्जा खाने के शौकीन है तो यहाँ पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो भैया ये पैटीज कौन कौन सी है आपके पास? मैम इसमें आलू पैटी है, पनीर पैटी है, चीज पैटी है, कॉर्न पैटी है। ओके भैया के पास जो है 4 टाइप की पैटीज अवेलेबल है, पनीर पैटी भी है, आलू पैटी भी है, चीज कॉर्न पैटी भी है, और कौन सी एक बताई भैया? एक ओनली चीज पैटी, ओनली चीज पैटी भी भैया के पास अवेलेबल है। तो इस टाइप का आपको कैफे मिल जाएगा, नीचे सीटिंग अवेलेबल है, बाहर की गर्मी से बचने के लिए एसी वेसी सब अंदर लगा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे अपना फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं और आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुल्हड़ पिज्जा बफे सिस्टम टाइप थाली डिनर में ये सब कुछ मिल जाएगा, वो भी ओनली 70 रुपीज में। परांठा है जो कि ओनली 30 रुपीज में है, तो आप सब यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।